हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला होंडा एक्टिवा 125 स्मार्ट वेरिएंट के बारे में, जो कि अपने ऑफिशियल लॉन्च डेट से पहले इसके कुछ डिटेल्स जो है वो लीक आउट हो गए हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूँ कि अभी तक हमें एक्टिवा की जो 6G है उसका स्मार्ट वेरिएंट देखने को मिलता था, बट अब से हमें जो एक्टिवा 125 है उसका भी हमें स्मार्ट की के साथ जो वेरिएंट है हमें देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, के अंदर हमें एक्टिवा 6G जैसे ही हमें कॉस्मेटिक चेंजेस जो है हमें देखने को मिलेंगे, मतलब जो एक्टिवा 125 है जो कि हमें एक 125cc इंजन ऑप्शन के साथ जो है वो देखने को मिलती है। एंड फ्रेंड्स, के अंदर भी हमें अब से स्मार्ट की ऑप्शन जो है हमें देखने को मिलेगा, जो कि राइडर जो अपना हैंडल बार एंड जो अंडर सीट स्टोरेज है जो कि रिमोट से ही जो है वो अनलॉक कर सकता है। एंड फ्रेंड्स, के अंदर हमें फ्यूल लाइट के लिए हमें कोई भी फिजिकल की लगाने की जरूरत जो है नहीं देखने को मिलेगी, बिकॉज ये हमें स्मार्ट की के साथ देखने को मिलेगी। एंड आप इसे पार्किंग लॉट के अंदर भी आप इसीलिए फाइंड करने के लिए इस की का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, के अंदर हमें एंटी थेफ्ट प्रोटेक्शन भी जो है हमें देखने को मिलेगा। इंजन ऑप्शन के बारे में बात करें तो फ्रेंड वो हमें सेम ही देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, के अंदर हमें 123.97cc का जो सिंगल सिलेंडर इंजन ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड, जो इंजन ऑप्शन है ये हमें 8.18 bhp के पावर के साथ एंड 10.3 टॉर्क के साथ जो है हमें देखने को मिलने वाला है। एंड जो इंजन ऑप्शन है जो कि हमें कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन के साथ जो है हमें देखने को मिलेगा। तो फिलहाल तो इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन जो है लिखा हुई थी। फ्रेंड, और भी अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं एक और न्यू वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। एंड इसी तरह से अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।